वही बीमारी होगी, उसे एजुकेशन कितनी सफर हुई आज तक हम शायद रिकवर नहीं कर सकते जो हमारे बच्चों के पढ़ाई के साथ हुआ है। ठीक है, तो मेरी गुजारिश रहेगी मेरे सारे बच्चों से, टीचर से, अपने एम्प्लॉय से, कि आप कोशिश करेंगे अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए जो जरूरी है वो पॉलिथिन बैन, और अगर आप रस्ते पे भी चलते हो और अगर आप एक बंदे को अवेयर करते, और मैं इस सुपुर में एक ग्रुप एक बनाऊंगा एनजीओ किट, मैं यूनिफॉर्म उनको दूंगा, मैं और की जो भी मेरे उधर से आएंगे मतलब डिपार्टमेंट से, मैं फुल्ली कॉपरेट आपको 10-20 बंदों का स्टूडेंट्स का ग्रुप एक बनाऊंगा जिनको मैं बाहर भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, बाकी स्टेटों में भी भेजूंगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी अगर आप अपने जहन में ये बिठाओगे कि मुझे ड्राइव समझाना है घर वालों को, गट समझाना है घर वालों को, तो मेरे ख्याल से हम एक ना एक दिन कामयाब इसमें होंगे। और नशा मुक्त मुहिम भी हम चलाएंगे, तो इसी सुकून से हम स्टार्ट करेंगे, वो दूसरा मौजू होगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़ कर आपसे गुजारिश है, क्योंकि हमने उम्र की है, चाहे फयाज साहब की बात करें, मैं अपनी बात करूँगा, आपका भविष्य अभी, आपका फ्यूचर अभी बाकी है। वाटर बॉडी इस पॉलीथीन की वजह से खराब हुई। वाटर पोल्यूशन किसको हम बोलते हैं, आप तो पढ़ते हैं किताबों में वाटर पोल्यूशन तो यही है। अभी मैं वायलू गया, हो सकता है वायलू के बच्चे यहाँ पर हों, तो मैंने जो वायलू पुल है वहाँ के नीचे जो गंदगी मैंने देखी, तो मुझे रोना आया वहाँ। और ब्रिंगी जो हमारी है, ये पूरे इलाके की पहचान है जो ब्रिंगी नाला हमारा है। तो अब जो मैंने आपको बोला, अब मेरे ये बच्चे हैं यहाँ पर, या जो भी स्टूडेंट, हम इसको पूछेंगे कि आज यहाँ से जाके आप घर में क्या करोगे, और ये शुक्रिया करेंगे मुंशी कुकरनाथ का। तो हाँ सर, इससे आप